हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नम्रता चौहान आज फिर से आप लोगों के लिए होम्योपैथी से रिलेटेड एक न्यू वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी प्रीवियस वीडियो को जा कर के देखिए, जो कि पूरी वीडियो होम्योपैथी से रिलेटेड है। आपको कुछ न कुछ न्यू नॉलेज गेन ज़रूर होगा। आप जा कर के प्रीवियस वीडियो देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ होम्योपैथी या होम्योपैथी के स्कोप। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, मैं कुछ पॉइंट आपके साथ में डिस्कस करूंगी अबाउट स्कोप ऑफ होम्योपैथी। तो आपको पता चलेगा कि होम्योपैथी की फील्ड में होम्योपैथी का स्कोप क्या क्या है और किन किन जगह पर है। तो देखिए, आप लास्ट तक बने रहिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा। तो दोस्तों, हर एक चीज़ जो कि साइंस से रिलेटेड है उन सभी में स्कोप एंड लिमिटेशंस होते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि होम्योपैथी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, तो ऑब्वियसली बात है कि ये साइंस की ब्रांच है तो होम्योपैथी के भी स्कोप और लिमिटेशंस होते हैं। तो आज की वीडियो में हम स्कोप ऑफ होम्योपैथी के बारे में बात करने वाले हैं। जो हमारा होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो वर्ल्ड सेकेंड बेस्ट थेरापेटिक सिस्टम माना गया है। पूरी दुनिया के जो पेशेंट्स हैं वो होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इस वजह से पूरे वर्ल्ड में जो होम्योपैथी का सिस्टम है उसको सेकेंड बेस्ट थेरापेटिक मेडिसिन या सिस्टम माना गया है। होम्योपैथी ट्रीट्स द पेशेंट एज अ होल, मतलब जो होम्योपैथी होती है वो पेशेंट को एज अ होल ट्रीट करती है। एज अ होल मतलब कि जो होम्योपैथी होती है वो स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल ये सारे कंडीशंस को ट्रीट करती है। वो सिर्फ, अगर आपको चोट लगी तो वो सिर्फ चोट को हील नहीं करेगी, उसके साथ में आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मेंटल सिम्टम्स क्या है, इमोशनल सिम्टम्स क्या है, स्पिरिचुअल कंडीशंस क्या है, इन सारी चीज़ को देखते हुए होम्योपैथी वर्क करती है, आपकी बॉडी को हील करती है। इसलिए कहा गया है कि होम्योपैथी ट्रीट्स द पेशेंट एज अ होल। होम्योपैथी इज़ वेरी गुड व्हेन इट्स कम टू द क्रॉनिक डिजीज़। जो होम्योपैथी है वो एक्यूट डिजीज़ के साथ में क्रॉनिक डिजीज़ के लिए भी बहुत कारगर साबित हुई है। क्रॉनिक डिजीज़ लाइक कैंसर, अर्थराइटिस, इन सारी चीज़ों में भी होम्योपैथिक बहुत अच्छे से अपने रिजल्ट शो करती। बहुत से सर्जिकल केसेस में भी होम्योपैथी का स्कोप है, जैसे कि स्टोन, पाइल्स, फिशर्स, टॉन्सिलाइटिस एंड वार्ट्स एट्सेट्रा, इन सारी चीज़ों में होम्योपैथी सर्जरी के लिए कैपेबल है। होम्योपैथी में सर्जरी की जा सकती है कुछ केसेस में। होम्योपैथी कैन ट्रीट द स्किन डिजीजेस विच आर इनक्यूरेबल टू अदर सिस्टम। जो होम्योपैथी होती है वो स्किन डिजीजेस को ट्रीट करने में कैपेबल होती है, स्किन डिजीज को ट्रीट कर सकती है, जो कि जो अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसमें इनक्यूरेबल होता है। स्किन डिजीज का ट्रीटमेंट वो हमारी होम्योपैथी कर दिखाती है। स्किन डिजीजेस लाइक सोराइसिस, ल्यूकोडर्मा, एक्जिमा एंड एट्सेट्रा। फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं लाइक मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इन फीमेल, ये सारी चीज़ें जो होती है जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड होते हैं वो होम्योपैथी के साथ में परमानेंटली क्योर हो सकते हैं। जो इनक्यूरेबल डिजीजेस होती है वो भी होम्योपैथी के साथ में सक्सेसफुल क्योर हो सकती है, लाइक इनफर्टिलिटी, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, कैंसर, अर्थराइटिस, ये सारी चीज़ें भी होम्योपैथी के साथ में क्योर हो सकती है, वो भी सक्सेसफुली एंड परमानेंटली। जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो सिम्टम्स को सप्रेस नहीं करती है बल्कि उनको जड़ से ख़त्म करती है। साथ में होम्योपैथी के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं और ना ही ये होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी होती है कि हम उसके एडिक्टेड हो जाएं। जैसे हमको कभी बदन दर्द या हाथ पैर दर्द होते हैं तो हम डायरेक्टली कोई सी भी पेन किलर मेडिसिन ले लेते हैं, तो कभी भी ऐसा होता है कि हाथ पैर दर्द हो रहे हैं या हेडेक हो रहा है तो जा करके कॉम्बिफ्लेम ले ली, ऐसा नहीं होता है। जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो उसके एडिक्टेड नहीं होते हैं, ना ही उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट है स्कोप ऑफ होम्योपैथी से रिलेटेड। होप सो आपको वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो।
अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए ऐसी ही कुछ न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, जो कि हमेशा होम्योपैथी से रिलेटेड होती है। अगर आपको नहीं पता है कि होम्योपैथी क्या होती है तो मेरी प्रीवियस वीडियो जा करके देखिए, आपको बहुत सारा नॉलेज गेन होगा और पता चलेगा कि होम्योपैथी क्या चीज़ है। जब आपको पता चल जाए कि होम्योपैथी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है तो हमारे साथ जुड़ जाइए और होम्योपैथी के साथ आगे कदम बढ़ाइए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में होम्योपैथी के साथ में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि सभी को पता चले होम्योपैथी के बारे में। एट लास्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।